मैं मुबारकबाद पेश करता हूं एक बार फिर चेयरमैन साहब को और शमीम अख्तर साहब को, गजाली साहब और डॉक्टर उर्फी साहब को, कि शोरा के इंतखाब में उन्होंने हर रंग का इंतजाम किया है और हर तर्ज फिक्र का एहतमाम किया है। ये हमारी मौजे शायरा थी डॉक्टर नुज़हत अंजुम, एक ऐसे शायर भी मेरी फहरिस्त में हैं दोस्तों जिन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत अदब लिखा है, बहुत कहानियां लिखी, अफसाने लिखे, अदबी दुनिया में उनका एक नाम है। मैं समझता हूं कि बिहार के नाम को अदब के आलमी नक्शे पे जिन लोगों ने दर्ज कराया है उसमें एक नाम उनका भी है। मैं डॉक्टर मुश्ताक अहमद नूरी की बात कर रहा हूं जो बिहार उर्दू अकेडमी के सेक्रेटरी भी हैं। एक जिम्मेदार अंदाज़े फिक्र, जिम्मेदार शायरी, यकीनन आप उनका कलाम सुनेंगे और उससे फ़ायदा उठाएंगे। अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भीख, हम अपना घर न जलाते तो और क्या करते। जनाब मुश्ताक अहमद नूरी साहब। मैं सबसे पहले एक छोटी सी नज्म सुनाता हूं जो आपको पसंद आएगा और एक माहौल भी बनेगा। जब भी खिलवत में रहा महवे ख्याल, जब भी खिलवत में रहा महवे ख्याल, सामने रहती है वो जोहरा जमाल, रश के गुल रश के सबा रश के चमन, रश के गुल रश के सबा रश के चमन, हुस्न की तस्वीर नौ शोला बदन, एक नजर देखा तो बस देखा किया, एक नजर देखा तो बस एक एक तो उसका बांकपन फिर सादगी, बर्ग गुल से भी ज्यादा नाजुकी, राह में फैली जो रुख की चांदनी, दूर तक फिर रोशनी ही रोशनी, क्या बताऊं वो उजालों का जहां, क्या बताऊं वो उजालों का जहां, बन गया मेरे ख्यालों का जहां, फिर भी हुक उठती है उस एहसास से, फिर भी हुक उठती है इस एहसास से, एक धुआं उठता है दिल के पास से, एक आलम का धड़कता दिल है वो, एक आलम का धड़कता दिल है वो, आह नूरी शमय महफिल है वो। मैं एक मतला एक मकतब पेश करता हूं, फिर एक गजल मैं आपके सामने पेश करूंगा। एक मतला एक मकता कि नींद आखिर उड़ गई अब करवटें बदला करो, नींद आखिर उड़ गई अब करवटें बदला करो, हमने कहते थे सुहाने ख्वाब कम देखा करो, नींद आखिर उड़ गई अब करवटें बदला करो, हमने कहते थे सुहाने ख्वाब कम देखा करो, देखते ही देखते नूरी बदल जाते हैं लोग, देखते ही देखते नूरी बदल जाते हैं लोग, वक्त की बातें सब हम क्या करें तुम क्या करो। मैं बिल्कुल ताजा गजल जो मैंने अब तक किसी महफिल में नहीं पेश की है, और सुल्तान गजल यहाँ मौजूद हैं सुल्तान अख्तर साहब, उन्हीं का मिसरा था, काश दिल से लहू आंखों से पानी ले गया। मैं चाहता हूं कि आप तवज्जो फरमाएं। जिस्म जा की रौनकें चेहरों से पानी ले गया, जिस्म जा की रौनकें चेहरों से पानी ले गया, मौसम सफाक हर शय से जवानी ले गया, मौसम सफाक हर शय से जवानी ले गया। तजमीन को भी मैंने मतला ही बनाया है, काश है दिल से लहू आंखों से पानी ले गया, काश है दिल से लहू आंखों से पानी ले गया, हर लबे खुश रंग से वो खुश बयानी ले गया। ये शेर देखिए,
कि जाते जाते मुझको पत्थर कर गया वो नामुराद, जाते जाते मुझको पत्थर कर गया वो नामुराद, मेरी खुशियां मेरे अश्कों की रवानी ले गया। खुश मिजाजी है किसी घर में नरिश्तों में जमाल, खुश मिजाजी है किसी घर में नरिश्तों में जमाल, अहद जर्री सारी रस्में खानदानी ले गया। अहद जर्री सारी रस्में खानदानी ले गया। अब कहानी में कहानी पन न किस्सा गोई है, अब कहानी में कहानी पन न किस्सा गोई है, दास्तां से वक्त रंगे दास्तानी ले गया। ये शेर देखें कि वो हरीफे जां कुछ वो हरीफे जां कुछ इतना टूट कर अब के मिला, वो हरीफे जां कुछ इतना टूट कर अब के मिला, मेरे सहने दिल से गर्दे बदगुमानी ले गया। आखिरी शेर है कि वक्त रुखसत उसके अश्कों ने तही दामन किया, वक्त रुखसत उसके अश्कों ने तही दामन किया, वो मेरी सारी मताए शादमानी ले गया। मक्ता हाजिर है कि इस तरह नूरी मुझे उसने शगुफ्ता कर दिया, इस तरह नूरी मुझे उसने शगुफ्ता कर दिया, अपना गम देकर वो मेरी सरगरानी ले गया। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया।